हेलो दोस्तों, आपको SVA स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जुलाई मंथ का पार्ट 4 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो वो दिया है, कितने करोड़ का दिया है, वह 2415 करोड़ रुपये की जो है मंजूरी दी है सड़क परियोजनाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो वह कौन सा शहर है, वो है बनारस शहर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक परियोजना लाया गया है जिसका शिलान्यास किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। चलते हैं थर्ड प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दे दिया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से जो इस्तीफा दिए हैं वह है बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिए हैं अपनी पद से। ठीक है दोस्तों, चौथे प्रश्न है, विश्व किसवाहली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, 7 जुलाई को जो है विश्व किसवाहली भाषा दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। चलते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो है इस्पात मंत्रालय का। सातवां प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो है संजीव पुरी को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस देश के अधिकारियों ने बरोवामाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है। तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया देश के अधिकारियों ने जो क्या किया है, बरोवामाइट नामक एक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में जो है 2 हफ्ते में लाखों मधुमक्खियों को जो है मार डाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, कैनबरा इसकी राजधानी है। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, एंथोनी अल्बानीज यहाँ के प्रधानमंत्री है। और मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में आगामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है यह जो है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, जो किनका प्रतिमा है, वो स्वामी रामानुजाचार्य जी का जो है प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को रोकते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। वो है इटली देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी जो है रोम इटली की राजधानी है। यहाँ का मुद्रा यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रपति है जॉर्जियो नेपोलियो तैनो, यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री है मारियो ध्रांगी,
यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है। और यहाँ पर क्या है, पो और टाइबर जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे जो है स्थित है। किस नदी किनारे? टाइबर। एग्जाम पूछ देता है रोम किस नदी किनारे स्थित है, तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर में 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो 9 महीने से घटाकर जो है 6 महीने कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से जो है इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह देश जिसने तमिलनाडु में कुंडन कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन देश है? वो रूस है। रूस देश ने क्या किया है, तमिलनाडु में कुंडन कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तकनीकी की आपूर्ति के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं रूस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रूस क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। सबसे बड़ा नगर यहाँ कौन सा? मॉस्को सबसे बड़ा नगर है। राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 महीने के लिए जो है सीमा शुल्क की छूट के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, किसके आयात पर? कच्चे कपास के आयात पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाली फिल्म के किस निर्देशक को 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया? वो कौन है? वह है तरुण मजुमदार जो है, जिनको 92 साल की उम्र में जो है निधन हो गया, जो कि बंगाली फिल्म के एक निर्देशक थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है फिनलैंड। फिनलैंड जो है, स्वीडन और फिनलैंड ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं देखते हैं फिनलैंड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन है? हेलसिंकी यहाँ के सबसे बड़े नगर है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं सौली निनिस्तो जो है यहाँ का राष्ट्रपति हैं सौली निनिस्ते। और प्रधानमंत्री है सना मारिन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पर 20,000 से अधिक झीलें हैं यहाँ पे, कहाँ? फिनलैंड में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ देता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो किसे? फिनलैंड में, फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस पद से इस्तीफा दिए हैं? वित्त मंत्री के पद से जो इस्तीफा दे दिए हैं वो ऋषि सुनक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के पद में जो है इस्तीफा लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। आपको फिलीपींस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। फिलीपींस के जो है राजधानी कहाँ? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है? क्यूजन शहर जो है यहाँ की सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पेसो यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिंगो दुतेरते यहाँ के जो है राष्ट्रपति है। कौन?
यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अधरापिली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एथ्रेंक्स के फैलने की पुष्टि की है। क्या एथ्रेंक्स को फैलने की पुष्टि की है? वह कौन सा? केरल राज्य है। कौन है? केरल राज्य। आपको केरल राज्य के बारे में कुछ बताते हैं। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर यहाँ कौन सा है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जिले टोटल 14 जिले हैं। अब भाषा क्या है यहाँ की? मलयालम यहाँ की भाषा है। केरल राज्य का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसके कि विधानसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ के विधानसभा की सीटें 140 हैं और लोक राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 9 हैं और लोकसभा की सीटें कितना है? 20 यहाँ के लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो कौन सा किया है? रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया है कि ऑपरेशन नार्कोस के तहत जो है 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों उत्पादों को बरामद किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 को उद्घाटन किया? तो किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किए हैं। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न है, राशन के दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के राज्यों की रैंकिंग में जो राज्य शीर्ष पर है वो कौन सा राज्य है? वह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में जो है राज्यों में सबसे शीर्ष पे जो है उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन है? भुवनेश्वर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जिले टोटल हैं 30 यहाँ के जिले हैं और राजभाषा यहाँ क्या है? उड़ीसा यहाँ की राजभाषा उड़िया यहाँ की राजभाषा है। और गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें जो है 147 जो है विधानसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें यहाँ पर 10 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 हैं। कहाँ की? उड़ीसा की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह राज्य जो राज्य कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेफ योजना शुरू किया है, तो कौन सा राज्य है? केरल। केरल राज्य ने क्या किया है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेफ योजना को लागू किया है, बल्कि शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो है रंजीत बजाज को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है प्रशासकों की सहायता की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? सलाहकार समिति का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो है केरल राज्य को जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत जो स्थान पर है वो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान पर है। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जो है चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने सावो जो आवो त्यौहार मनाया? तो वह गोवा राज्य ने जो है सावो जो आवो त्यौहार को मनाया है। गोवा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, गोवा का गठन कब किया गया था? गोवा गठन 30 मई 1987 को जो है गठन किया गया था, 1987 को गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ की राजधानी पणजी यहाँ की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा यहाँ के सबसे बड़ा शहर है। इसमें दो ज़िले हैं, ठीक है। गोवा में कितने ज़िले हैं? दो ज़िले हैं। राज्यपाल यहाँ कौन है? P.S. श्रीधरन यहाँ का राज्यपाल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहाँ का सावंत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के एक सदनीय जो है 40 सीट है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का सीट यहाँ पर जो है एक जो है राज्यसभा का सीट है, और लोकसभा की कितने सीट है? दो सीट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो कौन सा है? वो है भारतीय स्टेट बैंक जो है RBI ने परिचालन सहायक कंपनी के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया गया? तो है सफदरगंज रेलवे स्टेशन से जो है हरी झंडी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने एस एम कृष्णा NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य सरकार है? कर्नाटक सरकार ने जो है SM कृष्णा NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को जो है कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा किया है। अगला है कर्नाटक के क्या क्या है, कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। ज़िले कितने हैं? 31 ज़िले हैं कर्नाटक के। राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को जो है राज्य का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल यहाँ कौन है? थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं वसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल में चलते हैं तो विधान परिषद के सीटें जो है 75 जो है विधान परिषद की सीटें हैं, और विधानसभा की सीटें 225 जो है विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटें कितने हैं? राज्यसभा की सीटें 12 हैं, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 28 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनीतिक सतेंद्र लांबा का 81 साल के उम्र में निधन हो गया? तो वो पाकिस्तान और भारत के बीच के बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक जो सतेंद्र लांबा जो थे उनके 81 साल की उम्र में जो है निधन हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं VVI प्रश्न होते हैं तो इसको नोट डाउन जरूर करें कॉपी में। जुलाई के पहले शनिवार को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य के सीकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए, तो कौन सा? राजस्थान। राजस्थान राज्य में जो है सीकरी जिले में रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। चलते हैं थोड़ा राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के जिला राजस्थान की राजधानी कहाँ है? वह है जयपुर, इनकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर जयपुर है। गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ के विधानसभा की सीटें 200 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 लोकसभा की सीटें हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब नाम अपने नाम कर लिया है? तो किसने? सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों यह बहुत हेवी है, प्रश्न है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको नोट डाउन जरूर करें। कौन? सिनी शेट्टी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया है? वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने पूरी तरह से चालू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हैदराबाद सबसे बड़ा शहर है। जिला टोटल कितने आते हैं? 33 जिले आते हैं इसमें। गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को जो है इसका गठन किया गया था। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल जो है तमिलसाई सौंदर रंजन यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें 40 हैं और विधानसभा की सीटें 119 जो है विधानसभा के सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ के राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें कितने? 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जितने प्रश्न से पूरे प्रश्न जो है ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों आप लोग से हैमली रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।